गाइस फाइनली हम लोग पहुंच ही गए 1237 को। ये है पार्किंग सोनप्रयाग का। कैसे 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 करके पहुंच ही गए फाइनली। हेलो गाइस, सो फाइनली वी आर ऑल सेट और रेडी टू रोल। और अभी हम ट्रैकिंग चालू कर रहे हैं। टाइम है 4:41, तो आई थिंक 5 तो बज ही जाएगा उधर तक। और उसके बाद अपने को रिक्शा पकड़ना है और जाना है ऊपर 5 किलोमीटर नंदी कॉम्प्लेक्स। ठंडी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। फुली एक्साइटेड। और मैंने ये भी पहन लिया है क्योंकि विंटर भी है प्लस रेन का भी है, तो हो जाएगा काम तमाम। वैसे ठंडी तो बहुत लग रहा है, फुल फट्टे वाले लग रहा है, बट आपको व्लॉग में नहीं समझ। चलो चलो। सो गाइस, अभी हमने जस्ट एक लाटे ली है, ये है 50 रुपीज का। अगर आप इसको रिफंड करोगे तो आपको 20 रुपीज रिटर्न होगा। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया इधर से। आई थिंक स्टार्टिंग में लेना ही बेटर है क्योंकि बाद में पता नहीं कितना रेट इनका बढ़ जाएगा या कुछ। तो गाइस परफेक्ट, हम लोगों ने 6 बजे स्टार्ट किया है ट्रैक करना। अभी वही 6 बज रहे हैं और स्टार्ट किया है। सो अभी थोड़ा थोड़ा लाइक सनलाइट आ रहा है। सो इसके पहले तो बहुत ही अंधेरा था, इसके लिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग भी किया नहीं और वैसे भी कुछ था भी नहीं, जितना भी था मैंने डाल दिया है वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं सफ़र में। अभी सुबह जितना ठंडी लग रहा था उतना भी नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो गया हमारा। कैप माउंटेन्स, फाइनली क्लियर व्यू, वाह। सो गाइस, हम लोग ने फाइनली एक फर्स्ट ब्रेक ले लिया जिसमें हम मैगी और चाय पी रहे। टाइम हो रहा है 7:41। ये एक चाय और दो। 1 घंटा 40 मिनट हो गए और ट्रैक बहुत अच्छा ही लग रहा है, मतलब इतना भी टफ नहीं लग रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। बट ठंडी है, इसकी वजह से ऊपर जा रहे हो ऐसा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इसके लिए बहुत ठंडी लग रही है बस। टाइम हो रहा है 12:08 और अभी हम लोग ऊपर पहुंचे ही नहीं है। वो नॉर्मल रास्ता है और ये शॉर्टकट है। बहुत हालत टाइट हो गया है और अभी इधर से जाने है अपने को शॉर्टकट मार के। सुबह 6 बजे से ट्रैकिंग कर रहे हैं बट अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी 7 किलोमीटर बचे हैं। ऐसे हालत में हमारा ट्रैकिंग चल रहा है, तो उस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना। गुड मॉर्निंग गाइज, ये है टेंट जो हमने बुक किया था। ये है नंदी कॉम्प्लेक्स का, जो कि 1.5 किलोमीटर ही है केदारनाथ मंदिर से। एंड बाय द वे, दिस इज द सेकंड मॉर्निंग। कल हम लोग ने पूरा ट्रैक किया, उसके बाद हम लोग ने घोड़ा लिया क्योंकि बहुत बड़ा ज़्यादा ट्रैक था और आई थिंक जो भी बोर्ड्स लगाए हुए किलोमीटर्स के वो सारे गलत है क्योंकि जितना भी हम ट्रैक कर रहे थे वो जो किलोमीटर दिखा रहे थे वो कम ही लग रहे थे हम लोग को, ज़्यादा लग रहे थे। सॉरी, इवन मंदिर तक आने तक 1.5 किलोमीटर शो कर रहा था। आई थिंक वो सारे बोर्ड रॉन्ग ही है। और बाय द वे, ये टेंट हम लोग ने बुक किया था 500 में, जो कि 1 नाइट स्टे है हमारा टेंट। और इधर है मंदिर, ये देखो पूरा व्यू। सिर्फ कल सिर्फ उधर स्नो था और आज ये पूरा स्नो से ढक गया है।
सो अभी टाइम हो रहा है 6:21 और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। सो गाइस द करंट टेम्परेचर इज -1 और हाथ पैर पूरे फ्रोजन हो गए इवन आफ्टर डबल सॉक्स। ये देखिए वैभव लग गई है, सब जगह से पैक है फिर भी ठंड लग रही है। तो भी ठंड लग रही है, मालूम नहीं किधर से आवाज आ रही है। व्लॉग करने के लिए भी हाथ इतने मेरे ये हो गए, बट नहीं अभी इतना बहुत आए हैं तो करना ही है कुछ भी हो। और ये सिचुएशन में व्लॉगिंग चालू है तो आप इसके एफर्ट देख सकते हो, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है भाई प्लीज, और शेयर करना यार ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। और मैंने जैसे बोला अगर बुक कर रहे हो टेंट तो यही वाला ही करना, बट इधर के वॉशरूम से बराबर नहीं है। सो ये नंदी कॉम्प्लेक्स हम चल रहे हैं टूवर्ड्स मंदिर। ये देखिए मंदिर थोड़ा सा दिख रहा है और ये व्यू। सो गाइस वो जो दिख रहा है मैंने वो एक्चुअली बोर्ड था हेलीपैड है और मेजरली 2 or 3 minutes के अंदर इधर हेलीकॉप्टर आ रहा है और 1-2 minutes के अंदर ही उड़ जा रहे हैं। नॉट इवन 2 मिनट, 1 मिनट है। देखिए अभी जस्ट आया था, अभी और एक आया, मतलब सर्विस जो है फास्ट है। के लिए और बोट चलना है, उधर है मंदिर। एक्चुअली ये जो रास्ता है ये पूरा प्लेन है, इसके लिए ज़्यादा थकान नहीं हो रही क्योंकि स्टेप चढ़ना हो, स्टेप से टर्न वगैरह वो माउंटेन पूरा रहता है, माउंटेन रेंज वो जरा भी नहीं होता चढ़ने के लिए, ये अच्छा है चढ़ने के लिए। सो आप इधर भी स्टे कर सकते हो टेंट लगा के, और ये साइड में भी होते हैं आगे। सो बट मेरा सजेशन हाईली रिकमेंड ये रहेगा कि आप प्लीज़ टेंट वगैरह में मत रहिए, रूम बुक कीजिए और रूम में ही रहिए क्योंकि टेम्परेचर जो इधर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। और हम लोग एक्चुअली आज ब्रश भी नहीं किए, थोड़ा बहुत ऐसा पेस्ट लिया और ऐसे ऐसे किया बस थोड़ा बहुत। और पानी मुँह धोने के लिए जो बिस्लरी बॉटल था वो तो पूरा फ्रीज हो गया था, तो थोड़ा ही सिर्फ लिया और बस चल लिया। सो गाइस वो जो आप देख रहे हो वो भैरवनाथ जी का मंदिर है, अगर आपको जाना होगा तो उधर भी थोड़ा बहुत आपको माउंटेन चढ़ना ही पड़ेगा। सो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाने वाले उधर। और ये मंदिर का फर्स्ट लुक। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट फुल व्यू ऑफ द केदारनाथ टेम्पल। एंड गाइस फाइनली वी आर हियर, लाइक बहुत इमोशनल होने हो रहा है गाइस, इतना ट्रैक किया लाइक क्या बताऊं आपको। Down Cali, driving round with my baby. Top drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, I'm a fool. Yeah, I gone love blind, and ooh yeah, got my heart out, and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood. And it's cool, yeah, 'cause you know it's good. Oh baby. जस्ट दर्शन हो गया, काफ़ी अच्छा लगा, एकदम मन को सुकून लगा। और जो इतना हम लोग 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, और 3 दिन से ट्रैवल हो रहे हैं 1800 किलोमीटर वन साइड, जो भी हो रहा है सब सफल हो गया ऐसा लग रहा है। ये देखिए ये मंदिर है और अभी हम जा रहे हैं बैक साइड पे जिधर वो स्टोन है। सो गाइस ये है बैक साइड मंदिर का, ये जो आप स्टोन देख रहे हो ये 2013 के जो बाढ़ आई थी उसमें बह के इधर आया था, बट वो वैसे के वैसे था क्योंकि जो भी पानी था और उसने साइड से फ्लो कर दिया। ऐसे ये भी एक स्टोन है जो ऐसे के ऐसा रखा है,
down Cali, driving round with my baby. Top drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away. सो गाइस, ये है आदि शंकराचार्य का स्टैचू जो रिसेंटली मोदी जी ने इसका इनॉग्रेट किया था, ओपनिंग किया था। और बैक साइड में देखे क्या ही व्यू है, स्नो फील्ड माउंटेन्स, स्नो कैप माउंटेन्स। गाइस दर्शन वगैरह सब हो गया, अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिया, आलू पराठा और चाय खाया और ये प्रसाद ले लिया। सो एवरीथिंग इज बीन सॉर्टेड नाउ। सो अभी हम जाने वाले हैं नीचे, घोड़ा करेंगे, जाने वाले सोन प्राइव, फिर सोन प्राइव से गाड़ी लेके देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। या फिर आज सोच रहे हैं कि पार्टी कर ले किधर तो, और आराम कर ले, थोड़ा सो जाए, क्योंकि इतने दिन से एक भी स्टे नहीं किया था, सिर्फ एक स्टे किया था, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे का ही था, तो आज प्रॉपर स्टे करने का इरादा है। सो आई थिंक, सो गाइस केदारनाथ का जो मेरा था ये जो एपिसोड था केदारनाथ वाला, सो ये मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अभी सब दर्शन होंगे, सब हो गया, अभी सिर्फ नीचे जाना है। तो घोड़े से ही जाएंगे तो शूट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों हाथ घोड़े पे ही रहते हैं। सो आज का वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक करना, बहुत मेहनत से बना है ये वीडियो। जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो गाइस हम लोग को ये घोड़े वाले मिले, शाहरुख भाई जिनका ये घोड़ा घोड़ी है काजल। सो आज हम लोग इससे ही जाएंगे, काजल की सवारी लेंगे आज हम। और डिस्क्रिप्शन में इनका नाम और नंबर डाल देता हूँ मैं, सो ताकि आप कभी नेक्स्ट टाइम आए केदारनाथ और या फिर प्लान करें, या कोई आपका फ्रेंड प्लान करे, तो ये नंबर ज़रूर उनसे शेयर करना। अच्छे भैया, अच्छे दाम में करते हैं थोड़ा बहुत, और अगर आप आते हो तो मेरा नाम ज़रूर बताना भैया को, ठीक है भैया। चलो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। ये देखिए स्नो गिर रही है, ये देखिए, वाओ शेड, एक नंबर, ये एक्सपीरियंस करना था और आज ये भी कर लिया। ये देखिए स्नो, सो गाइस वेदर देखो पूरा फॉगी हो गया है और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है और इसमें स्नोफॉल हो रही है। वाह, ये आई थिंक मुंबई में ही सोचा था कि यार स्नोफॉल मिलनी चाहिए और आज फाइनली मिल ही गई। वाह, हाँ हाँ,